कोरिया जिले के विकासखंड जनकपुर भरतपुर के अनेक नदियों से लगातार हो रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और रेत से भरे 7 डंपरों को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि जनकपुर और आसपास के क्षेत्र की नदियों से लगातार रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। रेत के आसमान छूते दाम अपने फायदे के चक्कर में खनन माफियाओं के द्वारा दिन रात यहाँ की नदियों से रेत निकाली जा रही है। रेत का यह अवैध कारोबार पिछले सरकार के समय से चल रहा है। पोकलेन मशीन से बेधड़क रेत का अवैध खनन जारी है। इस रेत के अवैध खनन पर लगाम लगाने वाला खनिज विभाग भी अपनी आंखें बंद किए बैठा है। इस क्षेत्र के लोगों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ छोटी मछलियों पर शिकंजा जरूर कसता है, लेकिन रेत खनन के असली मगरमच्छ प्रशासन के साथ गठजोड़ करके बेधड़क कमाई कर रहे हैं। क्या बोलते सरपंच? क्या नाम है सरपंच का? लाल सर। आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आपको? नहीं तो सर, कैसे बोल देते हैं कुछ भी, यदि अभी मैं बोल दी ना तो बोलते हैं कि देखो मैं आपके घर जाऊंगा, है ना? हाँ। तो मैं बोलती हूँ कि मान लेके जाते हैं ना, तो बोलते हैं मैं तो यहाँ हूँ, जैसे आपको जो कहना है तो कहिए, मेरे घर तो किस लिए जाएंगे? हाँ। से यहाँ पे अवैध रेता उत्खनन होती है और उदारी नदी मलकडोल से ये रेता खनन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में जाता है। यहाँ की नदियों की जल स्तर इतने नीचे आ गए कि नदियाँ का अस्तित्व खतरे में है। आज नदियाँ सूखने की स्थिति में है, गांव सूखने की स्थिति में है और यहाँ की रेता उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में लगातार यहाँ सप्लाई होते जा रहा है और रेत माफियाओं के द्वारा यहाँ पे शुद्ध शोषण किया जा रहा है और इसी विरोध में पिछले साल से हमारे गांव वाले चाह रहे हैं कि रेता बंद हो। शासन प्रशासन पे एक नहीं हजारों आवेदन निवेदन किए हैं लेकिन उनके तरफ से कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए अब गाँव वाले सड़क पे उतरे हैं कि जब तक रेता बंदी नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, गाड़ी भी पकड़ेंगे, जेसीबी भी पकड़ेंगे और पकड़ करके पुलिस के हवाले। तो आज क्या चाहती हैं आप लोग? आज हम चाहते हैं कि जो पोकलेन और ये हाइबा पकड़े हैं वो पूरा थाने के हवाले हो। अधिकारी लोगों से आपने चर्चा नहीं की, क्या कहना है उनका? चर्चा तो हुआ था, उन्होंने 28 तारीख को बोला था कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अगर आपने रंगो हाथ पकड़ लिया तो फिर यहाँ सब बंद हो जाएंगे।